हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति तो आज के सेशन में हम कुछ कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो चीज़ें ये हैं कि अभी हाल फिलहाल में एस बी आई क्लर्क की नोटिफिकेशन निकली थी एंड आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ कुछ डाउट्स आ रहे थे और वो डाउट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे लेकिन ज़्यादा हम लोग गर्ल्स को सेंट्रिक रख के करेंगे कि गर्ल्स अगर गर्ल्स के माने तो पोस्टिंग कैसी मिलती है वर्क प्रेशर कितना होता है तो वैसे हम लोग करेंगे डिस्कशन बट इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के इस वीडियो को ना देखें आप लोगों को भी इस वीडियो के एंड में काफी सारी चीजें समझने को मिलेंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेशन में हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं पोस्टिंग्स वर्क प्रेशर वर्किंग गार्ज एंड क्लर्क वर्सेज पीओ इसमें पहला पॉइंट आपके पास आता है पोस्टिंग्स का अब गर्ल्स जो होती है उनके माइंड में एक चीज आती है कि मैम हमें कंफर्टेबल पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी कंफर्टेबल पोस्टिंग आप कैसे डिसाइड कर सकते हो है ना कि आपको कंफर्टेबल मिल रही है नहीं मिल रही उससे पहले जानना जरूरी है कि आपको पोस्टिंग मिलती कैसे है देखो एस बी क्लर्क का फॉर्म जो होता है वो स्टेट वाइज निकलता है तो मतलब आपको अपनी स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी अब यहाँ पे आपके स्टेट के अंदर एल होते हैं जैसे यहाँ पे 16 एल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टेट में एक होगा दो स्टेट का एक एलेचो, एलेचो भी हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर कम दिख रहा है ठीक है तो वेरी करता है कि किस तरीके से आ रहा है एल अलॉट करता है आपको एओ ये सारा प्रोसेस इंटरनली होता है आपको नहीं पता होता एल के बाद आपको एओ अलॉट होता है और हर एक स्टेट में बहुत सारे एओ हो सकते हैं ये एओ जो होते हैं ये एक कुछ 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 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ना उसका ग्रुप होता है कि तीन चार डिस्ट्रिक्ट लिए उसका एक ए बना दिया फिर तीन चार लिए उसका एक एओ बना दिया तो इस हिसाब से आपको एल के बाद ए मिलता है ए के बाद आपको आर मिलता है अब ये जो आर होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है

अपनी वैकेंसी दिखाई ही नहीं है ना ऊपर उनको दिखाई नहीं कि मेरे पास वैकेंसी है या नहीं है मान लो उनके पास सरप्लस है उनके पास बंदे रखने की जगह ही नहीं है तो फिर आपको ये आरबीओ नहीं मिलेगा जो आपके घर के पास वाला है अगर इस आरबीओ के अंदर वैकेंसीज हैं कुछ वैकेंसीज हैं तो आपको वो आरबीओ अलॉट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वैकेंसीज हैं और सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी गर्ल्स को है ना सबसे पहले हमेशा से सब लोग यही सोचते हैं कि गर्ल्स घर से दूर ना जाएं तो गर्ल्स को पहली प्रेफरेंस होती है और फिर उसके बाद अगर बचता है तो बॉयज को भी दे दिया जाता है तो इस हिसाब से चीज़ें डिस्कस होती हैं तो ऊपर से नीचे तक जितनी हाइर है यहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस मान के सब चीजें की जाती है आई होप आपको ये चीज़ पता चल रही होगी एंड आरबीओ के बाद आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है ब्रांच आपके घर के पास है दूर है वो इसके बाद ही आपको पता चलने वाला है ये चीज़ आपको फाइनल पता चल जाती है ठीक है तो वैकेंसी होगी तो ब्रांच मिल जाएगी नहीं होगी तो हो सकता है आपको घर से दूर पोस्टिंग भी मिल जाए तो पोस्टिंग्स का नहीं पता होता बट आपकी स्टेट में ही होती है अब मैम कंफर्टेबल पोस्टिंग होती है या नहीं होती देखो पोस्टिंग कभी भी कंफर्टेबल होती नहीं होती हम एक चीज में डिसाइड नहीं कर सकते इसके लिए ना कुछ कुछ फैक्टर्स लगते हैं कुछ कुछ फैक्टर्स लगते हैं उसके अंदर हम लोग सबसे पहले वर्क प्रेशर कंसीडर करेंगे ना आपको कंफर्टेबल पोस्टिंग भी समझ में आ जाएगी अब वर्क प्रेशर क्या होता है कि मैम हमें कितना काम करना पड़ेगा है ना यूजुअली हम सुनते हैं कि क्लर्क की जॉब होती है बहुत आसान होती है ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता ऐसा होता है वैसा होता है और काफी जगह से हम सुनते हैं कि मैम वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको पोस्टिंग कैसे मिल रही है है ना यहाँ पे आपके पास रूरल पोस्टिंग भी हो सकती है सेमी अर्बन भी हो सकती है और अर्बन पोस्टिंग भी हो सकती है अब रूरल पोस्टिंग के अंदर जैसे आपको पता है किसी गांव में पोस्टिंग होगी आपकी तो वहां पे फुटफॉल हो सकता है कि कम हो ली फुटफॉल कम ही होता है कम कस्टमर्स ही आते हैं तो आपको ब्रांच के अंदर कम काम करना पड़ता है लेकिन जो बाहर की यूमैनिटीज होती हैं बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है हो सकता है वो आपके लिए सूटेबल हो या ना हो मतलब आपको बहुत बड़ा शहर चाहिए तो वैसी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको मिल सकती हैं सेमी अर्बन में भी डिपेंड करता है आपको ब्रांच किस तरीके की मिल रही है यूजली इसमें भी फुटफॉल ज्यादा नहीं रहता है एज कंपेयर टू अर्बन अब अर्बन के अंदर कौन कौन सी सिटीज आ गई जैसे हमारी सिटी है कोई बड़ी सिटी है वो आ जाती है और बड़ी सिटीज के अंदर क्योंकि काम भी ज्यादा होता है तो यहाँ पे कस्टमर्स का फुटफॉल भी ज़्यादा रहता है इसलिए अर्बन जो भी आपकी पोस्टिंग होती है उसके अंदर आपको इन दोनों के कंपैरेटिव ज्यादा वर्क प्रेशर मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी ब्रांचेज में ऐसा होगा अर्बन की ब्रांचेस में भी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है और कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जिसमें वर्कलोड अच्छा खासा होता है बट हैंडल हो जाता है तो वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से एरिया में ब्रांच कि है कितना उसका फुटफॉल है ठीक है यहां पे आपको मैनिटीज पूरी मिलेंगी यहां पे आपको बाहर का एनवायरमेंट अच्छा हो सकता है आपको अपने अकॉर्डिंग मिले हो सकता है ना मिले तो कंफर्टेबल कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको रूरल में कंफर्ट लगता है या अर्बन में बाहर की मैनिटीज के अकॉर्डिंग कंफर्ट लगता है ठीक है दूसरी चीज आती है ब्रांच का एन्वायरमेंट अब ये जो वर्क प्रेशर है और कंफर्टेबल पोस्टिंग है हैंड इन हैंड चलते हैं ब्रांच का इन्वायरमेंट से क्या मतलब है आपके जो मैनेजर हैं जो सीनियर्स हैं वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो कॉपरेटिव हैं या नहीं है आपके जो कलीग्स हैं वो कॉपरेटिव हैं या नहीं है आपके साथ अच्छे से बात करते तो हैं आपको अच्छा अच्छा काम सिखाते तो हैं अगर ये सब चीज़ें चलती हैं ना तो चाहे जितना मर्जी वर्कलोड आ जाए आपको कभी भी ब्रांच में ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे घर जाना है मुझे बहुत जल्दी घर जाना है तो जितने आपके कलीग्स अच्छे होंगे जितने आपके मैनेजर्स अच्छे होंगे उतना ही आपको ब्रांच में भी अच्छा फील होगा लेकिन अगर वहीं पर थोड़ा सा उनका एटीट्यूड आपके प्रति अच्छा नहीं रहता है कलीग्स आपको अच्छे से काम नहीं समझा पाते हैं फिर आपका जो यहाँ का स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होने लगता है आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है ऑल्सो ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है जब ये पॉइंट आ जाता है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है बहुत ज्यादा वर्कलोड आपके ब्रांच में आपके कलीग्स आपका साथ नहीं दे रहे आपके सीनियर्स आपकी बात नहीं मान रहे तब आप जो यहां से स्ट्रांग होना वो चीज डिसाइड कर पाएगी कि आप ब्रांच में सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो यूजुअली अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो जितना मर्जी वर्कलोड आ जाए आपको फील ही नहीं होगा लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो फिर हो सकता है आप अंदर से टूट जाओ बट एक और चीज है मान लो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं आपकी रूरल पोस्टिंग है फिर आपको क्या लगेगा मैम मेरी कंफर्टेबल पोस्टिंग है आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो है ना आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं आपको पोस्टिंग कहीं पे भी मिल जाए आपको पोस्टिंग अपनी कंफर्टेबल लगेगी नहीं तो वर्क प्रेशर भी हो सकता है ज्यादा हो हो सकता है कम हो पोस्टिंग भी हो सकता है कंफर्टेबल हो सकता है ना हो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग आवर्स की यूजअली हम सुनते हैं कि वर्किंग आवर्स जो क्लर्क के होते हैं वो टेन टू फाइव होते हैं है ना ये टेन टू फाइव तब होते हैं जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है और आपके जो आसपास वाले हैं बहुत अच्छे हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेकिन आप इसको मैंडेटरी नहीं मान के चलोगे कि मैम मैं तो पाँच बजे घर आ जाऊँगी डिपेंड करता है ब्रांच टू तो ब्रांच कितना वर्कलोड है डिपेंड करता है क्लोजिंग्स पे आपको बहुत देर तक भी बैठना पड़ सकता है तो इसको दिमाग में लेके मत चलना फ्लेक्सीबिलिटी रखनी पड़ती है अब बात आती है क्लर्क वर्सेज पी की तो पी की बात करूँ तो पी एक पीओ के पास एक अथॉरिटी होती है पीओ एक ऑफिसर होता है उसके नीचे भी एक टीम काम कर रही होती है तो इनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है इनके पास ज्यादा वर्क प्रेशर होता है इनके पास ज्यादा सारी चीजें ज्यादा में होती हैं। अब आप क्योंकि थोड़े से लो स्केल पे हो है ना इस वजह से आपके पास वो अथॉरिटी नहीं होती जो इनके पास होती है इसलिए आपके पास जो वर्क प्रेशर है वो इनसे कम होता है और थोड़ी सी सुकून आपको मिल सकती है अगर मैं बोलूं कि एसबीआई क्लर्क में डिफ्रेंशिएट करूं आईबीपीएस क्लर्क में डिफ्रेंशिएट करूं तो वो भी वेरी करेगा कि आपकी कौन सी ब्रांच में पोस्टिंग है हो सकता है आईबीपीएस क्लर्क में जैसे मान लो कोई पीएनबी का क्लर्क है उसका उसके ऊपर वर्क, वर्कलोड ज्यादा हो और एस बी आई के क्लब के ऊपर वर्कलोड कम हो तो डिपेंड करता है सब कुछ पोस्टिंग्स पे ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है और यहाँ पे थोड़ा सा काम है अगर कोई भी गर्ल जो है उसको ऐसा लगता है कि मैम मैं इतनी एम्बिशियस नहीं हूँ मुझे थोड़ा सुकून चाहिए अब मेरी शादी भी होने वाली है मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है मुझे अपने घर पे भी टाइम देना है तो अगर आपको पोस्टिंग फेवरेबल मिल जाती है आपको आगे प्रमोशंस नहीं लेने हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है लेकिन आप अगर बहुत एम्बिशियस हो मैम मुझे और ग्रो करना है फिर और ग्रो करते करते आपका वर्क प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो क्लर्क की जॉब अगर लेनी है तो सुकून है एज कम्पेयर टू पी ओ एंड आई होप यहाँ पर मेरे सारे के सारे जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो क्लियर होगी होंगी गर्ल्स को भी इक्वली बॉयज़ को भी बॉयज़ को भी तब प्रेफरेंस दी जाती है जब सारी के सारी गर्ल्स का नंबर हट जाता है ना उनको पहले पोस्टिंग दे, दे देंगे फिर आपका नंबर आएगा लेकिन सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है अब इसमें दुख मत दुखी मत मनाना कि मैम बॉयज़ को इतना क्यों कर रखा है यार जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो हैं अब उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसा बिहेव करते हो अपनी ब्रांच के अंदर आप कैसा अपने चीज़ों को डील करते हो जिस तरीके से आप चीज़ों को डील करोगे जिस तरीके से आप देखोगे कंफर्ट उसी में मिलेगा तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन गुड लक स्टे हैप्पी एंड बाय